इनको पढ़ाने के लिए आपने हाँ जेवर गहना सारा बेच डाली, उसके बाद इंटर और बीए करवाई। जब मैं शादी करके इनके घर आई सर, तो इनके घर की स्थिति सही नहीं थी। एक समोसा में दोनों रोटी खा लेते थे रात दिन। पिताजी भी मेरे सोचते थे कि एक मतलब घर जमाए बना के रखेंगे तो पैसा का प्रॉब्लम था, तो मैं सोची पैसा का प्रॉब्लम है तो मेरा जेवर गहना किस काम का। अपना जो बर्तन बचा था कलसा वसा पिता मत बोली, उसको हम लोग बेचे और खुराकी लाए, चावल हुआ लाटा उटा हम लोग। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। आप लोग इतना खुश कैसे रहते हैं क्या इनके वजह से? खाने के लिए कुछ है नहीं और जॉब का सपना दिख रहा, कभी नहीं होगा, इसी तरह भीख मांगते रह जाएगा, ऐसा ऐसा होता था। सच तो बोलो कि इनका मार्केटिंग पटना से कराता हूँ। छेना खाते होंगे आप समोसा का? समोसा अब तो छेना मेरा 43 है, आई कहते नहीं आपको और मेंटेन में बॉडी करके रहना है और मेंटेन करके रहना, आपको तो एकदम बूढ़ा होना ही नहीं है, एकदम रियल एकदम जो एकदम जो पत्नी को इसी तरह बोले बाप माँ का दिमाग सही है कि ना। हमको यहाँ ज्योति मौर्या का नाम लेकर तमाम महिलाओं को गरियाने वाले समाज के ठेकेदारों, आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो एक महिला समाज में सच में मिसाल है। जमुई की संजना जो अपने पति को पढ़ा लिखा कर अपना गहना और जेवर बेचकर अपने पति को पढ़ाती है और इतना पढ़ाती है कि आज उनके पति सरकारी स्कूल में अध्यापक बन जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ संजना जी बैठी है। 2002 में इन दोनों की शादी होती है, दोनों मैट्रिक पास होते हैं। संजना जी के माता पिता जी ये चाहते हैं कि इनका दामाद घर पर जमाई बनकर रहे, लेकिन इनके पति को ये चीजें पसंद नहीं थी। और जब इन्होंने अपनी पत्नी से यानी संजना जी से बताया कि मैं घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता हूं, मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तब उनकी बातों को एक पत्नी ने एक पति की भावनाओं को समझा और अपने पति को पढ़ाने के लिए साल 2002 से 2007 तक संघर्ष किया। अपने पति को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जेवर गहना बेच दिया, अपने कान का बाली, अपने हाथ का जो है कड़ा और अपने जो है गले का मंगलसूत्र बेच दिया, इसलिए कि मेरा पति पढ़ेगा तब आगे बढ़ेगा। और इन्होंने अपने पति को इतना पढ़ाया कि 2007 में इनके पति जितेंद्र की सरकारी स्कूल में जॉब लग गई। और आज ये कहानी आपको देखनी चाहिए, सब तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए क्योंकि सीमा हैदर का नाम लेकर महिलाओं को लोग गरिया रहे हैं, अंजू का नाम लेकर महिलाओं को गरिया रहे हैं और इसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्या का नाम लेकर देश की तमाम महिलाओं को गाली सुनाने का काम कर रहे हैं। सारी महिलाएं एक जैसी नहीं, एक मछली खराब हो गई तो पूरा तालाब खराब नहीं, संजना जैसी ऐसी भी भारतीय नारी संसार में पड़ी है जो भारतीय सभ्यता संस्कृत आचार विचार सभ्यता मर्यादा को प्रस्तुत कर रही है। मैं आज संजना की कहानी और उनके पति जितेंद्र की कहानी दिखाने जा रहा हूं। एक पत्नी जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने पति को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना देती है और स्वयं जो है एक सरकारी नौकरी खुद भी करती है। दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपके ही पति हैं? जी सर। आपकी कब शादी हुई थी? 2002 में शादी हो गई आपकी। आपके पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ था, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 2002 में मेरी शादी हुई थी सर। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी लाइन इंस्पेक्टर थे बिजली विभाग के। कितनी बहनें थी आप? 3 बहनें और भाई कोई नहीं था? भाई नहीं थे। तो जो है आपके माँ बाप की सेवा हो इसलिए आपकी शादी जो है इनसे कर दी गई? जी सर, घर जमाई के लिए शादी इनसे हुई है। मतलब कि आपके यहाँ घर जमाई बनकर? जी, बेटा नहीं है तो बेटा बना करके रखना है इनको। मतलब और इनको घर जमाई बनना पसंद नहीं था और वहाँ सारी सुख सुविधा थी? सारी सुख सुविधा। उस वक्त ये कितना पढ़े थे? उस वक्त ये मैट्रिक पास ही थे। मैट्रिक पास ही थे, सिर्फ 10वीं पास। जी जी। और आप? मैं भी। तो आपके अंदर कैसे आया कि इनको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और आपको इनके ऊपर कैसे विश्वास हो गया शादी के बाद कि इस इंसान को अगर हम पढ़ाएंगे तो ये जो है नौकरी और जॉब कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है? जब मैं शादी करके इनके घर आई सर, तो इनके घर की स्थिति सही नहीं थी, सही नहीं थी। फिर उसके बाद बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई भी कि कैसा जगह चली आई, समझ में नहीं आता, पूरा रोई। इनसे बात विचार मेरा हुआ नहीं था। जब इनसे मेरा बात विचार होना स्टार्ट हो गया तो इनके बात विचार से लगा कि नहीं ये कुछ करेंगे। हाँ, इनके बात विचार से लगा नहीं सही, ये जॉब जॉब कर रहे हैं तो जॉब जरूर ये लेंगे, लेकिन इनके पास पैसा का प्रॉब्लम था।
तो पैसा का प्रॉब्लम था, तो मैं सोची पैसा का प्रॉब्लम है तो मेरा जेवर गहना किस काम का, चलो इन पे लगा देती हूँ। मतलब इनको पढ़ाने के लिए आपने हाँ जेवर गहना सारा बेच डाली, उसके बाद इंटर और बीए करवाई। इतना कॉन्फिडेंस था इन पे? बिल्कुल बिल्कुल इतना विश्वास था कि शादी के बाद आपने इनको पढ़ाने के लिए जेवर बेच दिया। जी 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 सर। अमूमन क्या होता है, पति पढ़ाने, पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच देता है। जी, ये तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया सर, लेकिन मैं इन पे बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, ये जो बोलते हैं वो करते ही हैं। अच्छा, आपके जो पिताजी थे वो सर्वगुण संपन्न थे, सरकारी नौकरी थी उनकी, चाहते तो आपका जो है बढ़िया घराने में शादी करके आपको रानी बनाकर भेजते, इनसे क्यों शादी कर दिए थे एक दसवीं पास लड़के से? पिताजी का जो है ना तीन ही बेटी थी, तो पिताजी भी मेरे सोचते थे कि एक मतलब घर जमाए बना के रखेंगे तो एक बेटा मिल जाएगा तो हम लोग का भी थोड़ा सा सही से देख रेख हो सके। जी जी, तो इसीलिए शादी हुई, इसीलिए शादी हुई। मतलब उन्होंने जानबूझकर ये चूज किया, जानबूझकर के दसवीं पास ही लड़का लाना, ज्यादा चालाक होशियार नहीं लाना है। जी जी जी, नहीं चालाक होशियार नहीं, चाहते तो इनको पढ़ा भी सकते थे लेकिन ये रहने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जब आप ससुराल में गए और आप ससुराल में रहते थे तब आपको जो है क्या लगता था वहां पर घर जमाई बनकर जब आप रहने लगे? तो फर्स्ट टाइम तो रहने लगे तो अच्छा ही लग रहा था कि चलो जैसे नया दूल्हा का, वहां दूल्हा बोला जाता है तो नया दामाद का जैसे सेवा होता है। मुंगेर का देखिएगा, मुंगेर एरिया में वहाँ जो गेस्ट होता है दामाद का बहुत इज्जत होता है, सभी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। दो तीन महीना खूब दबा कर इज्जत हुआ? हाँ, एक महीना तो बहुत अच्छा से, डेढ़ महीना से अच्छा इज्जत तो बहुत अच्छा से हो रहा था। और वहाँ का प्रचलन है, मेरे ही नहीं दूसरे घर में भी बहुत अच्छा इज्जत मतलब दामाद को माना। वहाँ एहसास आपको नहीं होगा, सालों साल रह जाएंगे तो किसी के पास आपके नौकरी है या ना हो आपको एहसास नहीं होगा। तो मेरे साथ एक बात, इसकी इज्जत इतना होता था, सब कुछ आपको मिलता था, तब आपको जो है एहसास कैसे हुआ? मतलब कि मम्मी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर डालने लगे, दूल्हा जे छे तोरे तो ये करे छे, सब कुछ करना छे, घर दुवार लेना छे, तोरे सब तोहरे है, हाँ तोहरे छे, ऐसी बोलती है। बोला ठीके छे मम्मी, तो तीन गो छे, तीनों को होते कोई दिक्कत नहीं? नहीं तोहरे छे। बोले ना सबके होते तो तोहरा तो यहीं रहना छे। कहली हमरा रहना छे के, ये बात कहाँ से आ रहल छे कि कहाँ ना रहा, हमरा तो वहीं रहना अपन घर। तो मम्मी बोली ना तो यहीं पर जे पापा तो बात होलुन, पापा से बात आ रहा, तोहर भाई से बात होलुन कि तो यहीं रहो, तो जरी भैया से भी पूछ लियो। तो भैया से पूछे तो बोला कि यही बात हुआ था कि तुम वहाँ संभालोगे एक परिवार का मेंबर। अच्छा, आपने अपनी पत्नी को अपनी विचारों को अपनी भावनाओं को कैसे बताया, क्या बोला इनसे पहले? वही भाषा में, वही लिहजा, वही लैंग्वेज, और समझ जाइए कि वो पल पुनः आ गया है। बताइए एक बार क्या बोला था? बोले क्या हमें अब तो अपने अपने ही भाषा में, ये हिंदी में हम दोनों बात रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं आप करके। तो बोले ये क्या सुन रहे हैं मम्मी से कि हमको यहाँ रहना है क्या? दिमाग उमाग सही है कि नहीं? बाप माए कैसे ही बोले, बाप माए के दिमाग सही है ना? एकदम रियल, एकदम जो एकदम जो पत्नी को इसी तरह बोले, बाप माँ का दिमाग सही है कि ना हमको यहाँ रहना है? मतलब ये क्या तरीका हुआ, एक महीना रह गए तो यहाँ ना, ऐसा तो बात नहीं है। तो बोला कि ये इसको पता था कि पापा तो बोले थे कि यहीं रहने के लिए। तो बोले देखिए आपको क्लियर बता देते हैं, हम यहाँ रहने वाले रुकने वाले इंसान नहीं है, ठीक है? जो है आपको मेरे साथ, हम जीरो है आज के डेट में, 0/0। लेकिन आपको भरोसा दिला रहे हैं आने वाला दिन में आप हीरो रहिएगा, हम भी हीरो रहेंगे। लेकिन आपने बोला आपने ट्रस्ट करना पड़ेगा, दो शरीर सही सलामत है, अभी मेरा जो दिमाग और मेरा जो अंदर में बना वो सरस्वती है उसको हमको लाने दीजिए, और उसके बाद देखिएगा कि आपको सुकून मिलेगा। कष्ट तो बहुत होगा, अकेला है, कहीं कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कष्ट तो बहुत होगा। आप सोच विचार लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे बिना काम चल है जिंदगी में तो आप चला लीजिए यहाँ रह के, लेकिन हमसे ये नहीं होगा। इन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और हम उस विश्वास के रास्ते पर खरा उतरेंगे। 2002 से 2007 के बीच में इन पति पत्नियों ने क्या क्या नहीं झेलना, प्रताड़ना झेलनी, अवहेलना झेलना, बाबू नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तमाम समाज की अच्छाइयों बुराइयों को झेला, फिर भी अपने आप को मजबूत किया। जो है बिना खाए सो गए, दो दो रात सोए, चार चार रात सोए, लेकिन इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आगे कुछ करना है और कर जो है समाज में मिसाल पेश करना है। और इनकी बातों को, इनकी भावनाओं को इन्होंने समझा और शादी के बाद इनको पढ़ाया। सोचिए एक पत्नी एक पति को पढ़ा रही है, शादी के बाद आपने इनको पढ़ाया। जी सर। आप भी पढ़ी साथ में? वो तो मेरे पापा ही सारा चीज करवाए, लेकिन इनका जिम्मेवारी मेरे ऊपर था। मतलब इन जो है सारा जिम्मेवारी, आपका पॉकेट खर्चा मिलता था, तीन पर लगा देती। जी जी बिल्कुल लगा देती थी। तब इनका एडमिशन कब करवाया, शादी के कितने दिन बाद आपने? शादी का हमको लगता है शादी का एक साल बाद
बाद ही ना, 2003 में, 2003 में जो है ग्रेजुएशन कौन से में हुआ, 2006 के अंदर ही हो गया, कंटिन्यू लगातार कर ही लिए क्योंकि पैसा उस समय प्रॉब्लम भी नहीं था, मेरे पास गहना जेवर भी बहुत सारा था तो लगाते चली गई। उतना जो बर्तन बचा था वो कलसा वसा पीता मत बोलिए, उसको हम लोग बेचे और खुराकी लाए चावल हुआ लाटा उटा हम लोग। इतने हंसमुख हैं ये लोग कि जो इमोशनल स्टोरी है सर, जिसको इमोशनल के साथ बताया जा सकता था मैं रो देता, उसको ये लोग हंस कर बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे जीवन का एक संघर्ष समय जीवन था, उसको हम नहीं जीते हो तो आज संजना संजना नहीं होते, जितेंद्र जितेंद्र नहीं होते क्या जी। बिल्कुल सही, प्रेम का परिभाषा तो आपने बहुत सुना होगा, प्रेम में सब कुछ गंवा देना वही सच्चा प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल है सही सर। एक है अंदर से जो होता है ना कि मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग होता है जो लव मैरिज पे विश्वास रखते हैं, करते भी है उसके सहयोग में, लेकिन हम लोग में ऐसा अटैचमेंट हुआ मतलब ऊपर वाला जो है एक दूसरे का सोच, गरीब जैसे हम गरीब गरीबी स्थिति में है, ये अच्छे परिवार से आए और दोनों का सोच जो है ऐसा मतलब मिल गया कि वो जो दुख आता था ना वो लगता था कि दोनों कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते थे, मैनेज हो जाएगा, आप ये खा लीजिए तो हम ये खा लेंगे। आज भी प्रेम उतना ही आप लोगों के बीच में समोसा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कहते थे ना एक उस समय हम लोग को बगल में एक दुकान है जो मिठाई दुकान है, वो चाचा हमको मानते भी थे तो एक समोसा दे देते थे कि समोसा ये रख ले, बिकतो तो नहीं की ले जाइयो ले जो, एक समोसा में दोनों रोटी खा लेते थे रात दिन। और अभी समोसा हम लोग 6 महीने से नहीं खाए, सोचिए समय की बात, पसंद भी नहीं है, उसमें वही समोसा अच्छा लगता था, रोटी या समोसा, छेना खाते होंगे आप समोसा का समोसा, अब तो छेना अब तो रखा हुआ बहुत सारा चीज रहता है तो खा भी नहीं पाते कि कौन खाना है क्या खाना है, वो अपने पर जब आता है इंसान का तो वैसा ही रहता है, बस गेस्ट लोग आते तो खिलाते हैं, शौक से किसी घर में गए तो हम लोग खाते हैं। हीर और रांझा का प्यार सुना होगा, उस प्यार पर ये प्यार हावी है, हम लोग का जिंदगी का था तो हमेशा दुख में गाते थे यार, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस एक बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। काश ऐसा सबका घर हो जहां पर ये खुशियां तमाम हो। आज आदमी के पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान रुपया पैसा जेवर गहना नौकरी सब कुछ है, लेकिन इंसान खुश नहीं है। एक छोटा सा घर होगा उसमें हम दोनों होंगे और उस घर में हम दोनों खुश और खुशहाल होंगे और ये खुशी है। एक छोटा ये गाना नहीं हम लोग गाया था, एक छोटा सा ना इस ये गाना था ना जन्म जन्म कहा, नहीं नहीं ये गाना बहुत अच्छा। आप लोग इतना खुश कैसे रहते हैं आज क्या इनके वजह से? आज एक चीज ये बताइए आप, आज सब कुछ है आदमी के पास, पॉजिटिव जीवन नहीं जी पा रहा है, लड़ाई होता है बिस्किट के लिए, चाय नमकीन जो है बर्तन धुलने और मांजने के लिए, आप लोग के खुशी का राज क्या है? मेरी खुशी का राज जितेंद्र सर है, आपके पति है। जी 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 बिल्कुल। इनका एक पता नहीं लोग को इसका पापा लोग इनका पापा से बहुत पड़ता था, एक सच्चाई बता। गाना सुनाइए पहले वाला। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर होगा, हाँ ये एक लाइन सुनाते थे समझे ना हम लोग गाते थे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर होगा, जहाँ बेटा बेटी और हम भी रहेंगे, बगिया से सुंदर ओ जीवन होगा, झिलमिल सितारों का, ये गाना गाते थे बेटा बेटी रहेंगे, मतलब बेटा बेटी नहीं था, मतलब हम दोनों प्रेम की गली में एक छोटा सा घर होगा, बेटा बेटी के नाम पहले रख दिए थे हम लोग, मतलब 7 साल पहले रख दिए थे। आइस भी होगी और लाइक भी होगा, मतलब पहले नाम रख दिए थे जन्म के पहले, बेटी होगी तो आइस, अब बेटा होगा तो लाइक।
मेरा नाम क्यों बोले उधर से बोल रहा कहते, कहते हैं कि दिल उम्र 56 की लेकिन दिल बचपन का है। सच में ये लोग बचपन का जीवन जी रहे हैं। मजा आता है ऐसे ना? बिल्कुल मजा आता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा जीवन मिल जाए लेकिन नहीं मिलता है। हम लोग तीन फैमिली मतलब तीन परिवार ही घर में है लेकिन तीन नहीं लगता, लगता 10 का बराबर है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल से आते हैं उसके बाद रेडी करवा देते, बोलता है रील्स बनाना है। अच्छा, जब जॉब इनको मिल गई, जो समाज के लोग गाली देने का काम कर रहे थे, जो लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, जब जॉब मिलने के बाद फिर क्या लोगों का रिएक्शन रहा? कहते हैं बनला के सौगो साथी, बिगड़ला के क्यों ना। जब बिगड़ल रहल मतलब तब कोई साथी नहीं था, और जब बन गए तो दुनिया साथी हो गया। संजना हमारी, दामाद जी हमारे, मेहमान हमारे, बहू हमारी, बेटी हमारी, तमाम लोग। क्या हुआ था? दामाद तो उनके थे ही, दामाद पर उनको भी विश्वास था, मेरी माँ को भी, मेरे पापा को भी, लेकिन और भी आदमी को नहीं विश्वास था। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते थे, बाल बच्चा खाने के लिए कुछ है नहीं, और जॉब का सपना देख रहा कभी नहीं होगा, इसी तरह भीख मांगते रह जाएगा, ऐसा ऐसा होता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और सही में ये कर भी लिया। उसके बाद सब वही लोग सब बोलने लगे कि हाँ, हम तो जानते थे रंजीत कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल एकदम विश्वास था हमको कि कुछ ना कुछ करेगा ही। अब जेवर ओवर लेते हैं कि नहीं बेचने? बिल्कुल बिल्कुल, सारा जेवर ये दिला दिए हैं, सारा जेवर, उससे ज्यादा लेकिन कम नहीं। हाँ, अभी भगवान कृपा से देखिए, आपको क्या बोलूं, ऊपर वाला कृपा करता है, संपत्ति जीवन में कुछ नहीं। सच तो बोलो कि इनका मार्केटिंग पटना से कराता हूँ, मतलब जो मेरे लिए त्याग किया है, मेरा नहीं रहता है। सच है, एकदम रियल, मतलब यहाँ इनको पसंद ही नहीं आता शॉपिंग, नहीं बिल्कुल पटना से ही। आप आदमी कहता है ना चेंज हो जाता है स्टोरी, तो चेंज स्टोरी ये है कि ये मेरे साथ उतना साल दुख की, तो अब इनको किसी तरह का दुख देने का काम नहीं। ये अगर बोल रही यहाँ पसंद नहीं आएगा पटना, तो पटना से कपड़ा आता है मेरा, दुख के 10 दिन और इसके बाद खुशियों के सारे दिन। अब जीवन तो यहाँ से आपको पसंद नहीं आता कपड़ा? मेरा शॉपिंग पटना से ही होता है, इनको बोलती यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, चलिए पटना लेके जाता है। बाईपास में इतना ब्लैकबेरी, लगता है कि सिंदूर लेना मेरे ख्याल से लगता है 3-4 साल हो ही गया होगा यहाँ से, यहाँ से बिल्कुल नहीं। पटना स्पेशल मार्केटिंग पटना ही होता है कपड़ा का। क्या बोले, मतलब आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर चलता है निब्बा निब्बी का प्रेम, फेयर है एकदम, जो ऐसा नहीं है कि छिपा कर कुछ ऐसा। अभी कितना उम्र हुआ? अभी तो 43 हम लोग का हो, मेरा 43 है। आई कहते नहीं आपको और मेंटेन में बॉडी करके रहना है और मेंटेन करके रहना, आपको तो एकदम बूढ़ा होना ही नहीं है। तो मेरा 43 है, आई कहते नहीं आपको और मेंटेन में बॉडी करके रहना है और मेंशन करके रहना, आपको तो एकदम बूढ़ा होना ही नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा पढ़ाई, इसकी भी पढ़ाई होती कि भैया बूढ़ा नहीं होना, तो ये भी पढ़ाई पढ़ा देती है। बिल्कुल मेरा, आप विश्वास न करेंगे, हेयर मेरा कभी खत्म ना हो, एक मेंटेन के लिए हेयर वाला ऑयल भी लाई कि हेयर नहीं आएगा, डेली मसाज करती है। वाह, देखिये पति पत्नी का प्रेम है और यही सच्चा प्रेम है। पत्नी का मतलब होता है जो पति पर रहे हरदम तनी तनी, वही है पत्नी, लेकिन तनी नहीं। अभी तक ये 2002 के बाद आज तक मेरा जो हैंकी कैसे धुलाई होता है हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं सोचा नहीं, ये धोने ही नहीं देगी कपड़ा तक, चाय बनेगा तो बराबर बनेगा। अच्छा, आप भी वो करती हैं कि पति पहले खाएगा? नहीं, दोनों साथ में ही खाते हैं, पहले बाद नहीं, दोनों साथ में पति। अच्छा, मान लीजिए वो नहीं खाए किसी दिन, तब क्या करती? खाएंगे ही, कैसे नहीं खाएंगे? मनाती हैं आप या डांटती हैं? नहीं, मनाती हूँ। चलिए, इन लोगों की कहानी थी, भावुक कहानी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको समाज को प्रेरित करने के लिए हंसी और मजाक वाला बना दिया। सच बात तो यही है कि ये पत्नी है और ये महिला है, और ऐसी ही नारी शक्तियां जो है हमारे देश की सभ्यता आचरण विचार हैं। मैं यही कहता हूं, SDM ज्योति मौर्य की वजह से इस देश की पहचान नहीं, संजना जैसी महिलाओं से इस देश की पहचान है। संजना जी जैसे लोग इस समाज को उत्तेजित और इसके बाद आगे बढ़ाने का काम करते हैं। SDM ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दे दिया, तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, लेकिन इनकी मिसाल कौन देगा? इनकी मिसाल देना चाहिए कि संजना नामक एक लड़की थी, अपने पति को पढ़ाया 2002 में शादी के बाद, 2007 में अपना गहना बेचकर पढ़ाया, 2007 में अपनी जॉब दिलवा दी। इनकी उपमा देनी चाहिए समाज को, और आज से SDM ज्योति मौर्य की उपमा देकर देना बंद कीजिए, संजना की जो है उपमा देना शुरू कीजिए कि बिहार की एक बिटिया जो अपने पति को पढ़ाने के लिए अपना गहना जेवर सब कुछ बेच दी और अपने पति को पढ़ाकर सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया, और स्वयं 2014 में क्या बन गई? ग्रामीण आवास सहायक खैरा, ग्रामीण आवास सहायक खैरा, जिला जमुई की ये जो है एक जो है कर्मचारी अधिकारी बन गई। तो ये मिसाल जब जाएगी तो हमारे देश का नाम बढ़ेगा। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप इनके लिए कोई गाना नहीं सुनाइए, हम चाहते हैं कोई सुना दीजिए। जन्म जन्म साथ में गाते हैं, चलिए।
जन्म जन्म बात वाला लाइन गाऊंगी। अच्छा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। किसी को इस जोड़ी को नजर न लगे, भगवान सदैव अपना आशीर्वाद इस जो है इन दोनों लोगों पर बनाए रहे। बस इतना कहूंगा कि इसको इन जोड़ियों को नजर न लगे और ऐसी तमाम जोड़ियां संसार में बने, बाकी उपमा इनकी देनी है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।